राजा करो तो देख रहे हैं आपने वीडियो में देखा जो है कि रश्मि की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जो कि राधा देवी की बेटी हैं, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और आज एक बहुत ही दुखद समाचार है जो कि रश्मि अब नहीं रही हैं। उनको लोग लेके काफ़ी बोल रहे थे कि आप ये सब नाटक कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो किसी की पर्सनल बात को जाने बगैर कभी किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए था। आज पता चल रहा है कि वो वाकई में वो लोग दुख में थे और इतनी ज़्यादा उनको परेशानी थी और रश्मि की तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा। मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी बट आज देख के मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि लोग किसी को कमेंट करने से पहले, कुछ कहने से पहले, वीडियो बनाने से पहले नहीं सोचते कि उस इंसान पर, सामने वाले इंसान पर क्या बीत रहा है, वो क्या सिचुएशन है उसकी, क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, कितने दुख से गुजर रहा है। तो लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए, बस लोगों को अपना फ़ायदा ही दिखता है और लोगों का दुख नज़र नहीं आता है। तो फ्रेंड्स बस ये बात है कि आप लोगों को समझें और उनकी फीलिंग को समझें कि हाँ वो सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसकी क्या सिचुएशन चल रही है, वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसका हालत देख के। मुझे भी एक दिन, मैंने उनकी वीडियो देखी थी, रश्मि की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, फिर मैंने भगवान से प्रेयर भी किया और मुझे ज़्यादा मैटर कुछ समझ नहीं आया उस समय। फिर मैंने उसको जाने दिया कि उनकी कोई पर्सनल वीडियो होगी और लोग ऐसे ही कुछ भी बनाते रहते हैं, क्योंकि उनके चैनल पे ऑफिशियली बस एक आधा ही वीडियो आई थी कि जिसमें रश्मि की तबीयत ज़्यादा ख़राब दिख रही थी। और अभी तक सच बताऊं तो मुझे कोई कारण खास पता नहीं है कि क्या मैटर हुआ था, लेकिन हाँ आज ये न्यूज़ देख के एक छोटी सी बच्ची आज दुनिया में नहीं रही, वो क्या क्या झेल के आज वो मतलब इस दुनिया से रुखसत कर गई, भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया और काफ़ी तकलीफ़ से गुजरी हुई होगी तभी आज इस जो है कि दौर में, और आज उनके परिवार पे इतना ज़्यादा दुख गिरा हुआ है, भगवान उनको सहने की क्षमता दे, शक्ति दे, और उनकी माँ को जो उनके लिए एक बेटी उनके लिए थी सब कुछ, और उनकी फैमिली भी मतलब कुछ इसी प्रकार की और परेशानियों से गुजर रही थी, राधा दीदी ने बहुत कुछ झेला हुआ होगा, आज फिर उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है। तो मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करती हूँ और रश्मि की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान जहाँ भी जाएँ उनकी आत्मा सुख और शांति प्रदान हो। तो मैं बस एक दुख जाहिर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कहीं अगर किसी को ये वीडियो दिखती है तो भगवान से उनके लिए प्रेयर करिए, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक गलत सलत वीडियो बनाया है उनके खिलाफ़, तो वो अब देखें कि हाँ क्या चीज़ था और क्या सिचुएशन हो गई है आज, और उन वो अपने वीडियो पर उनको पछतावा हो कि हम लोगों ने क्या कहा था और आज क्या हो गया है। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो इतना ही, अगर मैं कुछ और नहीं बोलूँगी, और अगर ये वीडियो आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुँचेगा, उनको एक मैसेज मिलेगा कि किसी को कुछ भी बोलने से पहले उसके पर्सनल मोमेंट को, मतलब पर्सनल बातों को बोलने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या ये सच है कि नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। तो बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।